हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिवोडो। आज हम लोग बात करेंगे मधुरा फैशन एंड लाइफस्टाइल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या भाई, बैनर किसी और फिल्म के और पिक्चर किसी और फिल्म का? अरे भाई, एक नाम सुने हो? पेशेंस। हाँ सुने है ना। सुने हो तो रखो भाई, चुलबुला कह रहे हो बे। ना हाँ फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग बात करते हैं मधुरा फैशन एंड लाइफस्टाइल के बारे में। हेलो, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल के बारे में? क्या दोनों का नाम नहीं सुना? अच्छा, लुइस फिलिप, एलन सोली, वैन हुसैन, पीटर इंग्लैंड। हाँ, अब सुना सुना लग रहा है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं इनकी हिस्ट्री से। तो मधुरा फैशन एंड लाइफस्टाइल, जिसकी इनॉग्रेशन हुई थी 1988 में, और उस समय ये मेन सेक्टर में के गारमेंट्स बनाती थी और सिर्फ प्रीमियम क्लास पे फोकस करती थी। फिर 1998 में आदित्य बिरला ग्रुप ने इसे ओवरटेक कर लिया, और ओवरटेक करते ही इन्होंने ब्रांड एक्सटेंशन पे काम करना स्टार्ट कर दिया। अब इन्होंने वुमेंस पे भी फोकस करना स्टार्ट कर दिया। फिर 2007-2008 में इन्होंने किड्स सेक्शन के ऊपर भी काम करना स्टार्ट कर दिया, और ये 1999 में ये डील तकरीबन 1.89 बिलियन रुपीस की हुई थी। हाँ, 1.89 बिलियन, मतलब हमारे पास उस समय 5 रुपए नहीं होते थे और ये बिलियंस की डील कर रहे थे। ठीक है, तो आइए अब आते हैं इनके अलग अलग जो ऊपर। तो पहला है एलन सोली। एलन सोली जाना जाता है ट्रेंड्स के लिए, ये ट्रेंड्स फॉलो करता है। मतलब ये आपको अगर प्रोफेशनल लुक चाहिए और आपको ट्रेंड्स में रहना पसंद है, ठीक है, तो एलन सोली इज फॉर यू। फिर आता है लुइस फिलिप। हाँ, नाम ही अमीरों वाला है, तो हमारे जैसे लोग बस इनका नाम ले सकते हैं कपड़े ने। फिर आता है वैन हुसैन, फॉर लुकिंग पावरफुल, बोल्ड, ओके। और फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट आता है MI, गरीबों का आईफोन। मेरा मतलब है पीटर इंग्लैंड। अगर आप डेली ऑफिस गोइंग बॉय हैं और आपको अच्छा लुक चाहिए और आप मेरे जैसा गरीब हैं, तो मतलब उतने में नहीं बट हैं, तो पीटर इंग्लैंड इज फॉर यू। लेकिन ये सारे इनके जितने भी कंपनीज हैं, सबका टर्नओवर 1000 करोड़ के ऊपर था, फिर भी ये उसमें जा रही थी। क्यों? क्योंकि इनके पास था तो सब कुछ, लेकिन बहुत डिवाइडेड था। तो फिर इनको कोई समझाया कि एकता में बल है, और 2016 में अपने सारे अपैरल बिजनेस को मर्ज कर बना दिया आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, जिसकी उस समय वैल्यूएशन हुई थी तकरीबन 5290 करोड़। हाँ, फिर 2008 में इन्होंने एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाया था, जिसका नाम इन्होंने दिया abov.com। हाँ, आपने भी बहुत ऐड सुना होगा, लेकिन इनको जल्दी समझ में आ गया कि सारे ठीक है, क्योंकि लॉजिकली कोई प्रॉफिट होना नहीं था, इसलिए इन्होंने abov को कर दिया एफ ऑफ, और ये रिटेल स्टोर पे सिर्फ फोकस करने लगे। और आज के टाइम पे तकरीबन 2000 रिटेल स्टोर्स इनके पास हैं। तो आशा करता हूँ आपको सारे डिटेल समझ में आ गए होंगे। हाँ भाई, समझ में आ गया। लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। थैंक यू।